मैं एक सभी महाराज साहब बिहार कर रहे हैं, उनकी तो व्यवस्था हो गई है ना। कुमार पाल भाई नमस्ते, आपको सुनेंगे। जय जिनेन्द्र। कुमार पाल भाई के साथ मैं करीब 40 साल से काम किया हूँ। कुमार पाल भाई बताइए। परम वंदनीय, परम श्रद्धे, आपके चरण स्पर्श के साथ वंदन करते हुए मैं गौरव का अनुभव कर रहा हूं। अरे आप तो तपस्वी हैं, सेवाव्रती है, आपको किसी के चरण छूने की जरूरत नहीं है जी। मैंने आपके जीवन को बहुत निकट से देखा है, आपकी सेवा तपस्या। मैं समझ सोच करके जो भी बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं, आप भी जानते हो। मैं हम इस वर्तमान स्थिति में क्या क्या कर रहे हैं उसका कोई विवरण करना नहीं चाहते। जब से ये स्थिति बनी है तब से हम आप चैत्र मास की नवरात्रि के तपस्वी, तप से प्रभावित, तप में रत, आपके हृदय में जो पर हित बस जिन्ह के मन माही, दुर्लभ कछु नाही। फिर से मैं कोई बात दोहराना चाहता हूं कि आप जैसे पर हित में जीवन के आरंभ से ही रत रहने वाले व्यक्ति ने इस कार्य को उठाया है। बस हमने सुना है, स्थिति को जाना है, समझा है, तब से हम छोटे छोटे कामों को लेकर के हमने वो प्रारंभ कर दिया है। क्या किया है, क्या कर रहे हैं, उसको बोल करके मैं समय वो नहीं करना चाहता हूं। मगर एक बात आज आपको ये माध्यम से पूछना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में मुझे और हम लोगों को और क्या करना चाहिए उसका मार्गदर्शन अभी दे सकते हो तो आप दीजिए। मैंने प्रारंभ में चार मुद्दे बताए हैं, उसी को करना है। लेकिन मैं चाहूंगा कि जहां जहां, क्योंकि आप तो पूरे देश में काम करते हैं, तो वहां के अधिकारियों से बताऊंगा कि वर्तमान सेवा केंद्र से संपर्क करके वहां की स्थानीय आवश्यकताएं क्या है। पर मुझे विश्वास है कि आप उन चीजों में कभी पीछे नहीं रहेंगे। कुमार बाबू बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं आरएसएस के भैया जी जोशी